डी ऑप्शन सही है। चलो ये पहला ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हीट इज फ्लोइंग थ्रू द टू सिलेंड्रिकल रॉड हैविंग द सेम मटेरियल। अगर हीट फ्लो कर रहा है, दो सिलेंड्रिकल रॉड है, मटेरियल सेम है, डायमीटर रेशियो दिया हुआ है, लेंथ रेशियो दिया हुआ है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ द बॉडी ऑफ हीट फ्लो थ्रू देम। अब देखो ये क्या कह रहा है, द टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, तो रेशियो ऑफ हीट फ्लो थ्रू देम निकालना। स्टडी स्टेट में आप पढ़े होंगे, ठीक है, बार बार ये हम लोग यूज कर रहे हैं कि हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट फ्लो का इक्वेशन ही लिख लेते हैं, हीट फ्लो इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू स्टडी स्टेट में के ए टेम्परेचर टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई लेंथ एल। ठीक है, स्टडी स्टेट में इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमीटर दिया है, किसका रेशियो डायमीटर दिया है, तो एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मतलब पाई डी स्क्वायर बाई फोर। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ Q by T को इज इक्वल टू के पाई डी स्क्वायर टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई फोर एल। अब किसका किसका रेशियो दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस डायमीटर और लेंथ का रेशियो दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ हीट फ्लो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर अपन एल के प्रोपोर्शनल है ये। अब इन दोनों में निकाल लो, रेट ऑफ हीट फ्लो एच वन निकालना, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ मतलब एच वन अपन एच टू, एच वन अपन एच टू, डी वन अपन डी टू का स्क्वायर, डी वन अपन डी टू का स्क्वायर और एल टू अपन एल वन, डी वन अपन डी टू का स्क्वायर एल टू अपन एल वन। ये इसका मतलब वैल्यू डाल दो, डी वन अपन डी टू पहले का रेशियो, डायमीटर का रेशियो है देखो वन रेशियो टू है तो वन बाई टू का स्क्वायर चढ़ गया, ठीक है, प्लस लेंथ का रेशियो, ठीक है, लेंथ रेशियो कितना है, फिर वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करना डी वन अपन डी टू, डी वन अपन डी टू दिया हुआ, डायमीटर का रेशियो देखो डी वन अपन डी टू इज इक्वल टू वन बाई टू, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना लेंथ का रेशियो टू वन दिया हुआ, टू वन दिया मतलब एल वन अपन एल टू इज इक्वल टू टू रेशियो वन है, तो एल टू अपन एल वन वन बाई टू हो जाएगा, एल टू अपन एल वन, वो एल टू अपन एल वन जो है वो वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू रखूंगा तो d1 अपन d2 1 बाई टू, d1 अपन d2 1 बाई टू का स्क्वायर और l2 अपन l1, l2 अपन l1 मतलब 1 बाई टू, इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई एट, 1 रेशियो 8 इसका सोल्यूशन सही है, ये l2 है, ठीक है, ये l2, तो l2 अपन l1 1 रेशियो 8 इसका सही है, d ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो